सो हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं सुधीर, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रॉड जॉब गुरु में स्वागत करता हूं। तो जैसे आप लोगों को पता है, मैं समय समय पे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो जॉब को स्टार्ट करें, वीडियो को स्टार्ट करें, आपको वैकेंसी का डिटेल्स दूं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, सो जॉब से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। आइए चलते हैं बात करने की, बात करते हैं आज के वैकेंसी की। हमारे पास जो वैकेंसी है कनाडा यूकोन के लिए है, यूकोन कनाडा का टेरिटरी है। वहां पे कंपनी को, वहां की जो गवर्नमेंट है भी, वहां पे YCP चल रहा है। YCP एक प्रोग्राम है कनाडा में, जो भी इंडिया से भी जो फॉरेनर्स कनाडा में माइग्रेट करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम वहां पे चल रहा है, जिसका नाम है YCP यूकोन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम। इसके तहत एम्प्लॉयर जो है सिर्फ अपने जो कैंडिडेट होते हैं उनको ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है, उसके अलावा और कुछ भी, किसी भी तरह के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं कनाडा को इमिग्रेट करने के लिए, उसकी किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके हाथ में बस होना चाहिए एक एम्प्लॉयर की तरफ से ऑफर लेटर, उसके बाद फिर डायरेक्टली आपको वर्क परमिट मिल जाता है। और वर्क परमिट मिलने के बाद डायरेक्टली आप कनाडा के लिए माइग्रेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आइए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। हमारे पास जो वैकेंसी है वो बोटसन पिज्जा के लिए है। बोटसन पिज्जा यूकोन कनाडा में एक चेन पिज्जा कंपनी है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में डोमिनोज है, पिज्जा हट है, वैसे ही यूकोन कनाडा में बोटसन पिज्जा जो है एक बहुत बड़ी चेन कंपनी है। कंपनी को 20 नंबर डिलीवरी बॉय का रिक्वायरमेंट है व्हाइट हॉर्स यूकोन कनाडा के लिए। इसके लिए कंपनी $14 पर घंटे के हिसाब से देगी, तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि अगर आप डेली या 10 घंटे भी काम कर रहे हैं तो पर डे का आपका अराउंड $140 बनता है। 30 डेज का आपका कितना होगा आप उसका हिसाब ले सकते हैं। आपको यूकोन में रहने का अराउंड, अगर आप एक अच्छा खासा 3 BHK विद ऑल द फैसिलिटीज आप लेते हैं, तो आराम से आपका 400 से 500, ज्यादा से ज्यादा 600 में आपको अच्छी लोकेलिटी में, आपको एक अच्छे लोकेशन में आपको घर मिल जाएगा, वहां पे आप रह सकते हैं, आपका एक परिवार वर्क परमिट हो जाता है, तो उसके बाद आपको पूरा फैमिली का आपका वीजा वहां के लिए लग सकता है, आपको एम्प्लॉयर मिल सकते हैं, आप डायरेक्टली अपनी फैमिली को भी वहां पे बुला सकते हैं। सो कंपनी को 20 नंबर डिलीवरी बॉय का रिक्वायरमेंट है, पिज्जा डिलीवरी बॉय का रिक्वायरमेंट है। सैलरी जो है 14 घंटे पर आवर के हिसाब से देगी कंपनी। रहना खाना आपको खुद अरेंज करना होगा, ड्यूटी टाइम पे मील आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, उसके बाद आवाज में जो रहेगा आपको खुद उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट 2 ईयर का वर्क परमिट रहेगा, आपको बस करना इतना है कि अपना CV आपको एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड किसको करना है, स्क्रीन पे कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल शो हो रहा है, डायरेक्टली आप जाके अपना CV आप एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें जिनको मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है जो डिलीवरी में, वो आप किसी भी डिलीवरी की हो सकता है, आप किसी भी कंपनी में डिलीवरी का अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है जो डिलीवरी का, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल आप रिप्लाई न करें, आप अप्लाई न करें, उसके लिए एम्प्लॉयर की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आएगा। अगर आपको मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपका CV शॉर्टलिस्ट होता है, उसके बाद डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपको कंपनी जो है ऑनलाइन लेगी, गूगल मीट से या फिर स्काइप पे आपका इंटरव्यू होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। उसके बाद 3 से 4 महीने का टाइम जाएगा आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में, 1 महीने के अंदर आपको कंपनी तरफ से ऑफर लेटर आ जाएगा। उसके बाद अराउंड 2 से 3 महीने का टाइम जाएगा आपका वर्क परमिट आने में। आपको किसी को भी कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है, आपको एम्बेसी में बस आपको अपने वीजा स्टैंपिंग के लिए जाना पड़ेगा। एम्बेसी में जैसे कि आप जाते हैं आपको वहां पे अपना बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है, तो बैलेंस शीट आपको बस इसलिए दिखाना पड़ता है कि वहां पे जा रहे हो आपके रहने खाने का इंतजाम कौन करेगा, आप वहां पे जा रहे हो तो आपका अरेंजमेंट क्या है। इसलिए वहां के जो एम्बेसी होती है, वहां के जो अथॉरिटीज होते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके पास इनफ अमाउंट है कि वहां पे जाके सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपको एम्बेसी में जाके सब मचमच से भी किसी भी तरह के, आपको इन सब बातों से भी किसी भी तरह का डिफिकल्टीज नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयर है, वो आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, और आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट डिटेल एम्प्लॉयर का शो हो रहा है। डायरेक्टली आप अपना CV एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड कर दीजिए, उसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगा पूरी तरह से कंपनी के द्वारा किया जाएगा। और वीडियो को खत्म करें उससे पहले मैं जैसे सारे मेरे कैंडिडेट से बोलता हूँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर से, मेरे यूट्यूब फैमिली से बोलता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, और अगर किसी भी तरह का कोई भी पर्सन आपको कॉल करता है, मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं इस चैनल से बात कर रहा हूँ, मुझे आप इतना रुपए दें मैं आपका काम करा दूंगा, किसी भी तरह से आपको बहलाने फुसलाने का काम करता है, तो बिल्कुल उसके झांसे में ना आए। मैं किसी भी कैंडिडेट से कुछ भी नहीं लेता हूं, जो भी वैकेंसी आप लोगों के लिए
शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। पूरी तरह से फ्री रिक्रूटमेंट की वैकेंसी होती है, इसमें आपको किसी भी पर्सन को कुछ भी लेने देने की जरूरत नहीं होती। तो अगर कोई भी पर्सन आपको फोन करता है कि मैं आपका जॉब लगवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं चैनल की तरफ से बोल रहा, कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ, तो ऐसे पर्सन से बिल्कुल आप किसी भी तरह का लेन देन ना करें। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी काबिलियत के ऊपर होगा, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होगा, आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर होगा, आपका इंटरव्यू एम्प्लॉयर के साथ में कैसे जाता है, आपका सिलेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आप किसी को पैसे देंगे उसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। चैनल को, वीडियो को खत्म करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो जॉब से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा।